जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर कुछ राज्यों और केंद्र सरकार में मतभेद के बीच आज जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक होगी। गौरतलब यह है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण राज्यों और केंद्र को वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बैठक में जीएसटी काउंसिल कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेगी। साथ ही आपको बता दें कि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने पर राजस्व कमी की भरपाई करने के लिए दो विकल्प दिए गए थे, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों ने इनमें से एक कर्ज लेने के विकल्प को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। और ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कल की बैठक में जबरदस्त बहस होने के आसार नजर आ रहे हैं। उधार लेकर राजस्व कमी की भरपाई करने के विकल्प का विरोध करने वाले राज्यों का यह कहना है कि केंद्र सरकार को पूरा कर्ज लेकर राज्यों को क्षतिपूर्ति भुगतान करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता बीके शर्मा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज जो बैठक होगी उसमें भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो राज्य सरकारें हैं खिलाफ नजर आ रही हैं और मुखर होकर अपनी आवाज उठा रही हैं। मनीषा, ये मैं आपको बता दूं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक आमतौर पर दो महीने में एक बार होती है, जिसमें सभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होती है और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं और वित्त मंत्री की जगह कोई भी राज्य अपने किसी भी मंत्री को उसमें नॉमिनेट भी कर सकती है। जैसे राजस्थान में वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, तो मुझे यहाँ पर या तो यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल इसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डॉक्टर बी डी कल्ला जो ऊर्जा मंत्री है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ बड़ा बात यह है कि पहले जब 5 अक्टूबर को बैठक हुई थी उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसकी वजह से ये वापस बैठक बुलाई गई है आज। तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 2,35,000 करोड़ जो शॉर्टेज आई है जीएसटी कलेक्शन की राज्यों की, तो इसकी पूर्ति केंद्र से करने की मांग की जा रही है। और दूसरी ओर केंद्र का कहना है कि आप कर्ज ले लीजिए और कर्ज को आपको चुकाना होगा। कर्ज को लेने में केंद्र मदद कर सकता है, चाहे वो आप आरबीआई से लीजिए या फिर किसी दूसरे एजेंसी से लीजिए, लेकिन आपको कर्ज लेना होगा और उसे वापस चुकाना भी होगा। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखा है कि आप एक कंसेशन आप कीजिए जो शॉर्टेज हुई है जीएसटी कोरोना काल में जीएसटी की, केंद्र सरकार पैकेज दे राज्यों को और इस भरपाई करे। तो इस ये मुख्य मुद्दा है जिस पर विवाद बना हुआ है, नहीं बन पाई है। स्पीच में जो कंपनसेशन टैक्स है उसको 2022 तक बढ़ाने का इन्होंने केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया है, लेकिन प्रस्ताव पर भी सहमति नहीं बन पाई है। एक लग्जरी आइटम होती है जिस पर टैक्स लगता है जो केवल 5 साल के लिए था पहले, लेकिन अब उसका कार्यकाल 2021 में पूरा होना था, उसे बढ़ाने का एक प्रस्ताव दिया था केंद्र ने जी, लेकिन इस पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो आज की बैठक पर नजर रहेगी कि क्या इस बीच में जो 5 अक्टूबर से लेके और 12 अक्टूबर के बीच में केंद्र सरकार ने इस पर राज्यों के प्रस्ताव पर क्या मंथन किया है, क्या कोई बीच का रास्ता इसमें निकलता है और किस तरह से भरपाई करने की कोशिश की जाएगी, सब पर ये नजर रहेगी। अहम बैठक है और ये पहली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस तरह के टकराव की स्थिति बनी है, तो ये इसलिए सबकी नजर है। और जिस प्रकार ये विषम परिस्थितियां हैं कोरोना के कारण, इसमें क्या रास्ता निकलता है राज्य और केंद्रों के बीच में, इस पर सब ये देखना होगा। मनीषा, बिल्कुल बीके, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी ने जिस प्रकार से बताया कि राज्य सरकारें लगातार ये आवाज उठा रही हैं कि उन्हें कर्ज नहीं चाहिए, क्षतिपूर्ति की जो रकम है वो उसका भुगतान किया जाए, लेकिन जिस तरीके से केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि आप कर्ज ले सकते हैं और बाद में आपको भुगतान भी करना पड़ेगा।